चैप्टर 12 श्लोक 5 से 14 सृष्टि भाव। यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपकी भक्ति करने वाला तो बहुत श्रेष्ठ है, अब आप मुझे ऐसे बताइए कि मैं आपका कैसे भक्त बन सकूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझ में ही मन लगाकर और मुझ में ही बुद्धि लगाकर तू मेरा भक्त बन सकता है। मुझ में ही मन बुद्धि लगाने के बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस तरह मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करने से तू अगर असमर्थ है तो हे अर्जुन, तू अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर सकता है, और अगर तू अभ्यास योग में भी असमर्थ है तो तू मेरे लिए कर्म करना शुरू कर दे। मेरे लिए कर्म करने से तू सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। अगर तू मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ है तो मन बुद्धि को वश में रखते हुए संपूर्ण कर्मों का फल को त्याग दे। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से भी कर्म फलों का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग करने से तुरंत बहुत ही शांति मिल जाती है। सभी प्राणियों से द्वेष ना करने वाला, मैत्री भाव रखने वाला, करुणामयी मेरा है से रहित, सुख दुख में समभाव रखा हुआ, अपने वश में मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित किया हुआ जो मेरा भक्त है वह मुझे बहुत ही प्रिय है। इसका सार है, यहाँ श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं, जो अपने सब कर्मों को मुझे समर्पित करके मुझ में लीन होके स्वयं को मेरा मानकर एक निष्ठा से मेरा ध्यान करता है, मैं उसको इस मृत्यु संसार के सागर से पार करवाने वाला हो जाता हूँ और मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ।